लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, बच्ची कहाँ है? अचारा जॉर्जिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पांच और देशों को उसका पता मालूम है। तुम इंडियन मिशन की फिक्र करो, बाकी हम देख लेंगे। एक और प्रॉब्लम है, राजपूत और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलकर एक हाईली कोवर्ट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हेलो जी, सिंह साहब से बात कराइए। मालूम नहीं तुझे कब चलाऊंगा मेरी जान। कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना, तुझे मेरे इश्क की कसम। इश्क से फुर्सत मिल गई तो कुछ काम की बात करें। नाम नहीं बताया और काम की बात करना चाहती हो? क्यों, तुम्हें जानो से बात नहीं करते? नहीं। तुम मुझसे तो बात करोगे ना रोमियो? मैम आप यहाँ? तुम्हारे लिए काम है। बिना काम के आदमी को हर काम मंजूर है मैम। गुड, लेट्स गो। तुझे चलाने का मौका आ गया है। तुम दोनों रीगा जाओगे एडी को रिक्रूट करने। वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। घबरा गए? डोंट वरी, आई कीप यू सेफ। Wow, that's impressive. अब तक कितनों को तोड़ चुकी हो? जितने सामने आए, 100 के बाद गिनती बंद कर दी। कौन पूछ रहा है? मेरे अलावा यहाँ कोई दिख रहा है? दिख नहीं, सुनाई दे रहा है। नंदिनी राजपूत तुमसे मिलना चाहती है, तो उसे यहाँ बुलाओ। मैं किसी की कुत्ती नहीं कि इशारा किया और दुम हिलाते आ जाऊं। अगर तू अब भी नहीं चली ना, तो किसी की कुत्ती का तो नहीं पता। तुझे अपनी कुत्ती जरूर बना दूंगी। एडी, तुम्हारे लिए काम है, और काम क्या है उसे बताने का वक्त नहीं। देश बुलाए और हम ना आए। गुड, कोऑर्डिनेट्स भेज रही हूँ। आप कहाँ हैं मैम? मिन्स्क, एक सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ। सी यू सून। राजपूत जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट योर सर्विस। फरमाइए। क्या चल रहा है भटनागर? तो जी, हमारा तो वही हर शाम का कुछ ड्रिंक्स, कुछ गाने। मैं तुम्हारे शराब या कबाब की बात नहीं कर रही हूँ। ये बताइए कि अमित दीक्षित मेरे सामने क्यों बैठा है? Well, you see, हमारे एके सिंह साहब जो है, उन्हें तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पे कुछ खास भरोसा नहीं, तो उन्होंने एक भरोसे का सोल्जर भेजा है। मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे सीक्रेट्स नहीं,
सुन रहे ना? बात याद रखिएगा। और अब मुझे इजाजत दीजिए, यहां बर्फ पिघल रही है। गुड नाइट। सिर्फ दो बातें याद रखना, ये मिशन मेरा है, भटनागर का नहीं। सो यू विल रिपोर्ट टू मी। यस मैम। एंड ओनली टू मी। मेरे पास नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। विनोद घर चलो। पागल हो क्या? इट्स नॉट सेफ। वो डॉक्यूमेंट्स हम वहां पे नहीं छोड़ सकते। हम फिर से घर बदल रहे हैं। बेटा ये हम आप ही की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अगर आपने अपनी मामा की बात मानी होती और ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मुझे मालूम है आप मेरे माँ बाप नहीं हो। मैं कौन हूँ क्यों नहीं बताते? बेटा सही वक्त आने पर सब पता चलेगा। सही वक्त आने पर सब पता चलेगा, आप हर बार यही बोलते हो। I promise, वक्त आने पर सब बता दूंगी। ओके हो गए पुराने जिंदगी छोड़ के, आज चमके। सीट फ्री है तो किस बात का जश्न मना रहे हो? क्या सिर्फ खुशी में पीते हैं? ओके तो किस बात का गम मना रहे हो? कहानी लंबी है और रात भी। कहानी शुरू करो। जाने दो। Come on, अनजानों से बात करने का यही तो फायदा है कि तुम खुल के बात कर सकते हो, you know, without being judged। और वैसे भी ये म्यूजिक मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम कौन सा म्यूजिक सुनना चाहती हो? शक्ल से अंग्रेजी, स्टाइल में देसी और म्यूजिक में हार्ड कोर देसी। लेकिन ये साले अपनी ही सुनेंगे, अपनी ही गाएंगे और अपनी ही बजाएंगे। अगर बजवा दूं तो? ऐसा सरप्राइज दूंगी कि शौक से चौक हो जाओगे। लगता है बहुत ही स्पेशल सरप्राइज होने वाला है। हाँ, बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। कहा था ना, ऐसा सरप्राइज दूंगी कि शौक से चौक हो जाओगे। तुम इतनी बेवकूफ नहीं लगती जितनी दिखती हो। और तुम इतने स्मार्ट नहीं जितने की दिखते हो। कैसे हो मेरे दोस्त? बिना बाय बोले ही निकल गए। जो भी काम हो, I'm sorry, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुमसे मदद मांगने नहीं, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत है, जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। 3 साल हो गए मैम, ना आप मुझे जानती है ना मेरी जरूरत है। गुड बाय।
मैम की बात खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी खत्म हो गई है। बात और बच्चों को खत्म करने में चैंपियन है ना तू। तेरी शक्ल तोड़ने में मेरा एक रुपया खर्च नहीं होगा और मुझे फ्री की चीजें बहुत पसंद है। अमित, दैट्स इनफ। सब लोग बाहर। देखो भीम, ये एक 6 साल की मासूम बच्ची है जिसके पीछे दुनिया की गवर्नमेंट्स पड़ी हैं। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके पास कोई हमसे पहले पहुंच गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते उसका क्या हाल करेंगे। कौन है ये? ये हिंदुस्तान की बेटी है और इससे बड़ी वजह और कोई नहीं है। I'm sorry, ma'am, but I can't help you. You know what? So am I. तुमने ठीक कहा था, मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि जिस भीम को मैं जानती थी वो देश को और देश की बेटी को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। वो 3 साल पहले कश्मीर में मर गया। तुम आज तक कश्मीर के हादसे का बोझ उठाए फिर रहे हो, इसीलिए तुम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करोगे ना, तुम वही अटके रहोगे। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, इसे जाने मत दो। दिखता नहीं। सॉरी सर। यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं, गिरीश मलिक। सर मैं इस ऑफसाइट का इंचार्ज हूँ। वो तो हो गई। नो वंडर यहाँ सब कुछ इतना ऑफ क्यों है। एक्चुअली सर, हम आपको इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वैसे आपकी फ्लाइट कैसी थी सर? लंबी, बकवास। जाओ मसाज ऑर्गेनाइज करो। क्या सर, मसाज? राजपूत और उसकी स्क्वाड आ गई। सर प्लीज हैव अ सीट सर। मिस्टर भटनागर, कितनी अच्छी बात है कि आप हमें ज्वाइन कर सके। हमारे सिंह साहब चाहते थे कि मैं यहां हूं और आपकी इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनूं। आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। जब तक आप मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें, इट्स नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीरो में आपका स्वागत है। आप सब मुझे जानते हैं, लेकिन इनकी पहचान मैं करना चाहती हूँ। ये है सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर अभय भटनागर। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। इसलिए इस बच्ची का नाम मिमी बैनर्जी है। फिलहाल ये अजारा जॉर्जिया में है
और आपका मिशन इसे सही सलामत हमारे पास लाना है। इसका नाम तो बता दिया, लेकिन इसकी अहमियत नहीं बताई। मिमी बैनर्जी हिंदुस्तान के सबसे विख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर बैनर्जी की ग्रैंड डॉटर है। डॉक्टर बैनर्जी DRDO के फाउंडिंग मेंबर थे। उनका सपना था कि रशिया और अमेरिका से पहले हिंदुस्तान सुपर पावर बने, और उसके लिए उनको सुपर ह्यूमंस की जरूरत थी, जो उन्होंने बनाए। मतलब हाफ ह्यूमन हाफ एंड्रॉइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर सोल्जर्स, जो बिना सोए बिना खाए बिना रुके कंटिन्यूसली दुश्मन से लड़ सकता है। यूं समझ लो 1000 इंसानों का काम एक साइबॉर्ग कर सकता है। साइबॉर्ग्स, आप कहना चाहते हो कि उन्होंने साइबॉर्ग्स बनाने की कोशिश की थी? कोशिश नहीं की, वो बनाने में सक्सेसफुल थे। एक दिन हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक गांव में नक्सलाइट्स की एक मीटिंग होने वाली है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने साइबॉर्ग्स की एक टीम को नक्सल से लड़ने के लिए भेजी। उस एनकाउंटर में साइबॉर्ग्स ने नक्सलियों के साथ साथ पूरे के पूरे गांव को खत्म कर दिया। यू सी, साइबॉर्ग्स अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाए। सैडली 4000 के करीब गांव वाले, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी, मारे गए। और उन साइबॉर्ग्स का क्या हुआ? जब बैनर्जी को समझ में आया कि उन्होंने सुपर ह्यूमंस की जगह सुपर दानव बनाए हैं, तो उन्होंने सब साइबॉर्ग्स को शटडाउन कर दिया और ब्लूप्रिंट्स के साथ हिंदुस्तान से गायब हो गए। और अगर ये प्रिंट्स किसी और के हाथ लग गए तो? 10 साइबॉर्ग्स ने 4000 लोगों को 1 घंटे में मार गिराया, और अगर 1000 साइबॉर्ग्स हो तो दुनिया की ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास है? बहुत लोगों के पास। इट्स गोइंग टू बी अ बैटल। तुम सबको अभी निकलना होगा। गिरीश, तुम इनके साथ जाओगे। मैम, मैं फील्ड एजेंट नहीं हूँ। जिंदगी भर यही घास काटनी है क्या? एवरीवन, लेट्स गेट रेडी। सी यू इन दिल्ली। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। हाथी जैकेट पकड़। और क्या? घर खाली है। कॉपी। लेट्स गो। बेस, कम इन। बेस हियर। ब्रावो 1, आई हैव 2 स्टिल्स। पैकेज मिला? पैकेज नहीं मिला हमें। I have 2 stills, पैकेज नहीं है। भीम, किसी भी हालत में हमको ये पैकेज ढूंढना है।
Yes, ma'am. मिमी को जिसने भी लिया है दे आर प्रोस, सारे सर्किट फ्राई कर दिए। अब क्या करें? इतने भी प्रोस नहीं, काम पे लगो। यस बॉस। अमित, बाहर के सीसीटीवी कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालो। मैं तुमसे ऑर्डर्स नहीं लेता। इसके लिए वक्त नहीं है, कम ऑन। फेस क्लियर करो। नहीं हो सकता, कैमरा क्वालिटी बहुत लो है। बट वी डोंट हैव अ चॉइस। इसने अभी बोला कैमरा क्वालिटी लो है। इट्स इम्पॉसिबल। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस है। तुम्हें कैसे पता? जो इसके हाथ में गन है वो SMG PK-1 है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी यूज करती है। गुड जॉब। ये फुटेज कितनी पहले की है? एक घंटे पहले की है। बेस, कम इन। पिछले एक घंटे में यहाँ से कोई प्लेन्स या चॉपर्स टेक ऑफ हुए? नेगेटिव, पूरा एरिया नो फ्लाई जोन है। इसका मतलब वो यहीं पे है। कौन यहीं पे है? पैकेज यहीं पे है। ट्रेस द कार। फाउंड इट। हमें लोकेशन मिल गया। गुड, लेट्स मूव।